बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीस्तान टिप्स एंड रिव्यूज़। आज की वीडियो का टॉपिक है वेट लॉस। वेट की अगर बात की जाए तो हम अपना लाइफस्टाइल खुद ही इस कदर ख़राब कर चुके हैं कि वेट का बढ़ जाना अब तो आम एक मामूली सी बात है। छोटे बच्चों में भी वेट की जो वेट गेन की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा रेशो से बढ़ रही है। उसकी रीज़न ये है कि उनको जंक फूड, फास्ट फूड पे पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, इन चीज़ों का इतना आदि कर दिया गया है कि बच्चे घर का हेल्दी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन चीज़ों से दूर भागते हैं और यही वो वजह है जो बच्चों में वेट गेन की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और जब वेट गेन होता है, मोटापा आता है, तो वो अपने साथ कई हज़ारों बीमारियाँ लेके आता है। यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ में भी वेट का जो इशू है वो बहुत मज़ीद बढ़ता ही चला जा रहा है, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। सारा दिन ऑफिस में काम करना और उसके बाद घर आके खाना खाना और सो जाना, तो इस तरह का लाइफस्टाइल अगर रखेंगे तो फिर वेट आपका गेन ही होगा और आप ज़्यादातर जो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आपका बैली, आपकी टमी ही बाहर आती है वो। आज मैं आप लोगों के साथ एक बॉडी रैप शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप एक नहीं तो आधा इंच गारंटेड आप अपना जो फैट है उसको बर्न करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जिंजर यानी कि अदरक। अदरक वेट लॉस में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अदरक का कुछ हिस्सा जितनी आपको नीड हो आपने वो हिस्सा छील के उसको अच्छे से पीस लेना है। इस तरीके से ये देखें कि मैंने पीस के रखा हुआ है। इसको पीसने के बाद इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो आपके पास दो ऑप्शन में दे रही हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है लोशन, कोई भी बॉडी लोशन जो आपके पास इजीली घर पे अवेलेबल हो आप कोई भी बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉडी लोशन नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको कोकोनट ऑयल से बनाना बताऊँगी। ये देखिए, यहाँ पे एक चम्मच मैंने जिंजर लिया है और उसको मैंने बारीक पीस लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे दो चम्मच, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल, वन एंड टू। अब इन दोनों को अच्छे से हम करेंगे मिक्स। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, ये इस तरह का हो गया। अब आपने इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करना है, आपकी बॉडी का वो हिस्सा जहाँ पे आपको लगता है कि आपके फैट ज़्यादा है, आप उस फैट को बर्न करना चाहते हैं, आप उस हिस्से पे इसको अप्लाई करेंगे। और इसे अप्लाई करने के बाद इसे प्लास्टिक रैप के साथ कवर कर देंगे। यहाँ पे ये देखें, इस तरह की प्लास्टिक जो है आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं। इसके साथ आपने जहाँ पे अपना ये मास्क लगाना है इसके साथ उसको कवर करना है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा डेमो दिखा देती हूँ किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अगर आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आपने थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि आपने पानी बॉयल करना है और उसके अंदर टॉवल को डिप कर देना है और अच्छे से उसको निचोड़ के इतना पानी उसका जो टेम्परेचर है पानी का इतना रखें जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके। उसके बाद आपने इस तरीके से टॉवल को गीला करना है उस गर्म पानी में। आपने इस टॉवल को अपनी बॉडी पे हल्का सा हल्का इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा स्टीम देना है। ज़रूरत से ज़्यादा गर्म नहीं रखना ताकि आपको स्किन जलने का खतरा हो। नॉर्मल सा जब इसका टेम्परेचर हो, ज़्यादा ठंडा ना हो और ज़्यादा गर्म भी ना हो। इस तरीके से जो आपके पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और पोर्स ओपन होने के बाद जब कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो वो हिस्सा इतना एक्टिव हो जाता है कि वो ज़्यादा अच्छा तरीके से काम करता है। अब इस मिक्सचर को जो हमने बनाया है इसको आप अप्लाई करेंगे। ये देखें, इसको अच्छे से पूरी बॉडी पे इस तरीके से इसको लगा लेंगे और उसके बाद प्लास्टिक का ये कवर लेंगे। ये इस तरीके से इसको ओपन करके ये जो कवर है इसको इस बाजू के ऊपर मैं लगा लूँगी। ये आपने इस तरीके से इसको बाजू पे लगाना है और इसको अपने जो हाथ है इसको आपने रैप कर लेना है। बस इतने ही नहीं है, दैट्स इट। अब उसके बाद बाकी हिस्से को हम कट कर देंगे।
ये देखें। और पहले दिन आप इसको घंटा दो घंटा लगा के उतार दें, दूसरे दिन आप चार घंटे लगा लें, और नेक्स्ट डे आपकी रूटीन में आप आ जाते हैं तो आप इसको ओवरनाइट लगा के भी सो सकते हैं और सुबह उठ के इसको उतार दें। इन्हें रैप करना है जहाँ आपको लगता है कि आपका हिस्सा फैट हो रहा है, टमी पे लगा सकते हैं। जब आप इसको लगाएंगे आई एम 100% श्योर इंशाल्लाह ताला एक नहीं तो आधा इंच तो ज़रूर कम हुई भी होगी। इसको लगाने से मुझे हल्की हल्की जो हीट है वो फील होना शुरू हो गई है, इसका मतलब है इस रैप ने अपना काम जो है वो करना स्टार्ट कर दिया है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरा बॉडी रैप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और साथ में मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक नई वीडियो में मिलेंगे नई बातों के साथ, नई रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। और जिन लोगों को सब्सक्राइब करने का नहीं पता उन लोगों को मैं बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने दो चीज़ों को सर्कल किया है। जैसे ही आप मेरी वीडियो ओपन करेंगे तो सब थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे कि दो बटन, एक बटन सब्सक्राइब का और साथ में एक बेल बटन का। तो सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ बेल बटन को भी क्लिक कर देना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप नोटिफाइड रह सकें और मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले वो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ही देख सकते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।